पाकिस्तान में नई सरकार ने अभी ठीक से अपना कार्यकाल संभाला भी नहीं कि अपने राष्ट्र के परंपरागत सिद्धांत झूठ पर चलना शुरू भी कर दिया। दरअसल पाकिस्तान का वजूद ही झूठ पर टिका हुआ है, भले ही वह बार बार दुनिया के सामने बेनकाब क्यों न होता रहा, पर पाक ने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। आज हम चर्चा पाक के द्वारा बोले गए एक और झूठ की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान ने शासन कमाल संभाल ली है तथा उनके कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने पदों की शपथ ले ली है। वहीं विदेश मंत्री की पद की जिम्मेदारी मिलते ही पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी ने नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा दावा किया। महमूद कुरैशी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखकर इमरान खान को बातचीत का न्योता दिया है। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान को पहले के मुकाबले अच्छे संबंधों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए दोनों देशों का साथ में बातचीत करना जरूरी है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का खंडन किया तथा ये भी कहा कि भारत सरकार ने ऐसे कोई भी प्रस्ताव अभी तक पाकिस्तान को नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान को बधाई वाली चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने एक पड़ोसी देश के रूप में अच्छी सरकार को आगे बढ़ने की बात कही। इसमें औपचारिक तौर पर दोनों देशों के संबंधों को लेकर बातचीत के लिए आमंत्रित करने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। एक तरफ जहां पाकिस्तान की नई सरकार ये बयान दे रही है कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ शांति बहाली का आह्वान करेंगे, तो दूसरी ओर भारत को निशाना भी बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में शपथ ग्रहण के बाद शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के परमाणु ताकत होने तक की बात कही। उन्होंने भारत को संबोधित करते हुए यह कहा कि दुस्साहस की कोई जगह नहीं है। शाह महमूद ने पाकिस्तान का एक पड़ोसी होने के साथ साथ एक परमाणु संपन्न ताकत होने का भी ऐलान किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह कहा था कि वो पड़ोसी मुल्कों के साथ शांति स्थापित करेंगे तथा आपसी रिश्ते सुधारेंगे, क्योंकि इसके बिना वह पाकिस्तान की स्थिति नहीं सुधार सकते। हालांकि ऐसे बयानों से कहीं भी भारत का नाम नहीं लिया गया। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की नई सरकार शांति बहाली के लिए कदम बढ़ाएगी या नहीं। धन्यवाद।